दोस्तों, मैं हूं हर्षित और आप देख रहे हैं हरुष टीवी। दोस्तों, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आम तौर पे एक सवाल जो बहुत पूछा जाता है वो ये कि हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, अब हमें पढ़ाई में मन लगाने का कोई सीक्रेट तरीका बताइए, कुछ ऐसे मेथड बताइए जिससे हम अपनी स्टडीज़ में कॉन्सेंट्रेट कर सकें। तो गाइज़ देखिए, अब मैं समझ सकता हूँ कि आपके शायद एग्ज़ाम्स आने वाले होंगे और आप पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कुछ टेक्निक्स देखना चाहते होंगे। तो आज इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपनी पढ़ाई में इफ़ेक्टिव वे में कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, वो भी कम टाइम में। क्योंकि देखिए, दो तरीके होते हैं जिससे आप पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ में आप कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हो, अपनी कॉन्सेंट्रेशन पावर को बढ़ाना चाहते हो, तो पहला जो तरीका होता है वो लॉन्ग टर्म मेथड होता है, जिसमें लंबा टाइम लगता है, जिसमें बेसिकली स्पेशली जो चीज़ रिकमेंड की जाती है वो है त्राटक। त्राटक ऐसी कमाल की चीज़ है जिससे आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर कमाल की हो जाती है। इसके अलावा मेडिटेशन की बात करें या कुछ योगिक एक्सरसाइजेस ब्रीथिंग वाली जो होती हैं, जिनसे आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ती है। लेकिन अब एग्जाम्स आने वाले हैं तो आप कहोगे यार इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि हम ये चीज़ें करें, तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बता दो जिससे कि फटाफट हमारी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ सके, हम उनका यूज़ करके पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कर सकें। तो उसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करने, हाउ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। तो चलिए आइए देखते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार ये सुन लीजिए। तो आप देख सकते हैं ये बेसिकली हमारा ऑफिशियल स्टोर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक है, यहाँ पे आके आप डायरेक्टली मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर अपनी किसी चीज़ के रिगार्डिंग मुझसे एडवाइस लेना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन के 69 रुपीज़ में से आप एडवाइस दे सकते हैं, टू के लिए 99 और तीन क्वेश्चन के लिए 169 रुपीज़ सर। इसके अलावा और भी जो सर्विसेज हैं उनको भी आप परचेज कर सकते हैं, और आप किसी भी चीज़ से इसकी पेमेंट कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट से या फिर किसी भी पेमेंट ऐप से, गूगल पे, पेटीएम वगैरह किसी से भी। सो अगर आप परचेज करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरी कंसल्टेशन सर्विस ले सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगा वो ये कि आप अगर पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं और अब आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं और आपकी कंसंट्रेशन पावर्स भी वीक हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है वो ये कि एक तो आपको अपना साइलेंस की एक जगह ढूंढनी है, अपना कोई भी एक रूम या फिर कहीं भी कमरे में, कहीं भी अपने घर में एक कॉर्नर ऐसा ढूंढ लीजिए जहाँ साइलेंस हो, जहाँ आप आराम से बैठ के पढ़ पाएँ, फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़, कभी भी आपको बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना है। इसके कई रीज़न है, साइंटिफिक वे पे आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये हिट करता है, तो बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना है। जहाँ आप सोते हो वहाँ बैठ के तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, या तो टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ो या फिर नीचे ज़मीन पे कुछ कपड़ा बिछा लो उस पे बैठ के पढ़ो, बेस्ट चीज़ है। आप देखोगे अगर आप सिर्फ यही करते हो तो इससे भी आपको काफ़ी यहाँ पे हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं टिप नंबर वन की। जो हमारी टिप नंबर वन है वो है अपने ब्रेन को बार बार रिमाइंड कराना कि पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले, यहीं रहे, यहीं रहे। आप देखोगे जब आप पढ़ने बैठोगे ना, यही हमारी टिप वन है, जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपका जो दिमाग है वो बार बार इधर उधर भागेगा, क्योंकि आपको आदत नहीं है ना पढ़ने की, आपकी कंसंट्रेशन पावर वीक है। तो आपको अपने दिमाग को बार बार बोलना होगा कि पढ़ ले, पढ़ ले, यहीं रहे, यहीं रहे, पढ़ ले। आप देखोगे जब आप अपने आप को, अपने ब्रेन को ऐसा बोलोगे तो बार बार आपका दिमाग ध्यान इधर उधर जाएगा, लेकिन फिर से आपका पढ़ाई पर आ जाएगा, पढ़ोगे, फिर थोड़ी देर में जाएगा, फिर आप पढ़ोगे। ये टिप वाकई में काम करती है, शॉर्ट टाइम में ये चीज़ आपके काम करेगी। आप देखना, ये चीज़ आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप करोगे प्रैक्टिकली तो आपको हेल्प मिलेगी। अभी मान लो आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते हुए आपका दिमाग इधर उधर हुआ, फिर आप बोलो अरे यार पढ़ ले, फिर आप दोबारा से पढ़ने बैठोगे फिर दिमाग इधर उधर जाएगा। तो बार बार अपने आपको रिमाइंड कराना पड़ेगा। आप एक चीज़ और कर, सामने इस चीज़ को प्रिंट निकाल के या लिख के या फिर कुछ भी ऐसे करके चिपका के रख सकते हैं अपने, जिससे बार बार वो आपको दिखता रहे। सेकेंड जो चीज़ है हमारी वो ये है कि अपना माइंड सेट चेंज कीजिए, उसको सिंपली ईजी में कन्वर्ट कीजिए। आपको क्या लग रहा है यार ये तो बहुत हार्ड है यार, पढ़ाई तो यार हो ही नहीं पाएगी, मैंने तो पढ़ा नहीं है, मैंने तो ये नहीं है, तो आप इस माइंड सेट को अपने चेंज कीजिए। आप कहिए कि यार ये तो बहुत आसान है, ये तो आसान है, इसको तो मैं आसानी से कर लूँगा। आप देखना हमारा जो माइंड है, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इसके अंदर से ब्रांचेज निकलती हैं, जिस डायरेक्शन में आप इसको अपनी थॉट प्रोसेस को लेके जाओगे उस डायरेक्शन में ये एक्सपेंड होता चला जाएगा, इसकी ब्रांचेज निकलने लगेगी। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव बातें ही दिमाग में आएंगी। अभी आप ये सोचना शुरू कर दो कि यार आसान है ये, बहुत ही आसान है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चल पढ़ते हैं, तो आप देखोगे आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट आने शुरू हो जाएंगे, आपके दिमाग में आइडियाज़ आने शुरू हो जाएंगे कि कैसे मैं इसको कंप्लीट कर सकता हूँ, कैसे मैं अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ। तो आपको सिंपली यही करना है, सिंपली आपको अपने दिमाग में बार बार पॉजिटिविटी से भरना है और ये सोचना है कि आसान है। कोई भी चीज़ ना आसान होती है ना मुश्किल होती है, ये सब एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, अपना देखने का नज़रिया होता है कि कोई चीज़ आसान है या मुश्किल है। किसी के लिए कोई चीज़ आसान है वो आसानी से मार्क्स ला रहा है, किसी के लिए कोई चीज़ मुश्किल है वो पास भी नहीं हो पा रहा, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल ना। तो आप अपना माइंड सेट चेंज कीजिए। तीसरी जो टिप होती है वो है हमारी, इसको हम कहते हैं अपने आप को रिवार्ड देना, रिवार्ड योर सेल्फ, या फिर मैं एक तरह से कहूँ कि अपने आप को कोई लालच देना। हालांकि लालच कहते हैं बुरी बला है, लेकिन इस टाइम पर आप शॉर्ट ट्रिक में इसका यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? लेट्स से कि आपको गेम खेलना पसंद है, लेट्स से आपको चाय पीनी पसंद है,
तो आप क्या कीजिए कि भाई मैं पढ़ता हूँ, इतने घंटे पढ़ूंगा, सुबह से ले दोपहर से लेकर शाम तक बीच बीच में करके पढ़ूंगा, ऐसे करके दोपहर से लेके लेट से शाम तक पढ़ूंगा और शाम को एक कप चाय पी लूँगा, उसके बाद में उसके साथ में बिस्किट ले लूँगा या फिर जो भी चीज़ आपको पसंद हो ये ले लूँगा, तो इस तरह से, या फिर गेम खेल लूँगा 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, या बाहर थोड़ी देर बैडमिंटन खेल लूँगा, जो भी चीज़ आपको पसंद हो अपना एक गोल सेट कीजिए कि इतनी देर पढ़ूंगा तो अपने आपको ये रिवार्ड दूंगा, तो शायद उस रिवार्ड के लालच में ही आपका ब्रेन आपको पढ़ने पर मजबूर करे, आपको पढ़ने के लिए हेल्प करे। तो कुल मिला के इस तरह से अपने आपको आपको ट्रिक करना है, यहाँ पर आप अपने ब्रेन को ट्रिक कर रहे हो जिससे वो आपको, जिससे आप पढ़ पाओ, राइट। तो इस तरह से भी आप इस टेक्निक कब यूज़ कर सकते हैं। बाद को इस जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो ये है कि आपको सिंपली ब्रेक कर देना है, आपका जो भी क्वेश्चन हो, जो भी आपका सिलेबस हो, जितना भी आप पढ़ना चाह रहे हो उसको ब्रेक कर देना है उसको। लेट से आपको आपको लेट से मान के चलते हैं 60 क्वेश्चन पढ़ने हैं, तो उसको आप ब्रेक कर दीजिए 3 पार्ट में, 20-20 क्वेश्चन में ब्रेक कर दीजिए, और ये सोचिए मुझे अभी 20 पढ़ने हैं, 1 घंटे में मुझे 20 पढ़ने हैं, राइट। तो 1 घंटे के अंदर अपना 20 का माइंडसेट लेके चलिए, और 20 का माइंडसेट लेके चलेंगे तो लेट से आप 15 तो कर ही लेंगे, इसी तरह से फिर नेक्स्ट जो आर है उसमें 20 कीजिए, उस फिर नेक्स्ट आर में 20 कीजिए, तो आप जितने भी कर पाएंगे, लेट से आप 60 का टारगेट लेके चले थे शाम तक, तो आप इस केस में होगा क्या कि आप कम से कम 60 में से लेट से कि आप 45 तो कर ही पाए, हो सकता है 50 भी कर ले, हो सकता है थोड़े बहुत और कम करें 40 भी करें, लेकिन अगर आप एक साथ ही यहाँ पर 60 सोच के चलेंगे ना तो आप बहुत कम कर पाएंगे। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, जब आप चीज़ों को ब्रेक करके करते हैं तो वो आपको छोटी लगने लगती है, आसान लगने लगती है, तो बजाय ये सोचने के कि 3 घंटे में मुझे 60 क्वेश्चन करने हैं, आप ये सोचिए कि मुझे 1 घंटे में 20 क्वेश्चन करने हैं, उसका रिजल्ट ज़्यादा बेटर आएगा, राइट। और जब आप इस तरह से अपने ब्रेन को, एक टेक्निक भी है कि अपने ब्रेन को जब आप इस तरह से करते हैं ना, अपने आपको टास्क देते हैं कि 1 घंटे में 20 क्वेश्चन करने हैं, तो वहाँ पर टाइम बाउंडेशन हो जाती है, तो इंसान का दिमाग तेजी से काम करता है, बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट निकाल के देता है कि कैसे ये चीज़ करनी है। तो इस टेक्निक का आप यूज़ कर सकते हैं, पोमोडोरो का यूज़ भी आप कर सकते हैं, 25 मिनट्स पढ़िए, 5 मिनट ब्रेक लीजिए, इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, तो आप वो भी जाके एक बार हमारे चैनल पे देख सकते हैं। इसके अलावा गाइज यहाँ पर एक बोनस टिप ऐड करना चाहूँगा लास्ट में जाते जाते, कि अपना हुक्स ऐड करना शुरू कीजिए, जैसे कि लेट्स से कोई चीज़ है, कोई आपको याद नहीं हो रही है, तो उसमें हुक्स ऐड कीजिए, कोई भी हुक होता है, कोई भी नेमोनिक्स जो होते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें जिससे वो चीज़ें याद हो जाए, जैसे हम पीरियोडिक टेबल को यहाँ पे ट्रिक्स याद होती हैं, पीरियोडिक टेबल की ट्रिक्स होती हैं याद करने के लिए, इसी तरह से हर चीज़ में कुछ ना कुछ हुक्स बनाइए, आपकी इक्वेशंस वगैरह जो हों उनको लिख के सामने शीशे के ऊपर लगा दीजिए, जो आपको याद करने हैं फॉर्मुलेज, जहाँ बार बार देखते हो वहाँ लगा लीजिए, अपनी लैपटॉप के वॉलपेपर पे लगा लीजिए, इस तरह से, इस तरीके की हुक्स आपको करने होंगे जिससे कम टाइम में आप ज़्यादा पढ़ पाएँ, ज़्यादा याद रख पाएँ, राइट गाइज। तो बस दोस्तों यही थी कुछ ऐसी कमाल की टिप्स जिनकी हेल्प से आप ज़्यादा पढ़ पाएंगे, ज़्यादा आप पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ऐसे मोर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, और चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।